so excited. Are you? भाई 1500 बार मैं ट्रैवल कर चुका हूं, ये अच्छा, मेरे लिए ओवर होता रहेगा पूरा पूरे। तो ये तो ऐसे जैसे साइकिल चला ली करके बाहर। ओह माय गॉड, आई लव यू टू। Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I know I am uploading after so long, लेकिन मैं बहुत बिजी हो गई थी शादी में, हमेशा यही बकवास करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वेली बैठी हुई थी, ठीक है, नहीं दिल किया बस व्लॉग रिकॉर्ड करने का। पर खैर यार, आज मेरे पास बहुत ही गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, वो ये है कि हम लोग जा रहे हैं अपने हनीमून पे। आप लोगों ने साथ के ब्लॉग्स में देखा ही होगा, तो ये सूटकेस दो पड़े हुए हैं, अभी हम इनको खोलते हैं और इनके अंदर हम अपना सामान वगैरह रखते हैं। सामान वगैरह भी रखने में बहुत ज्यादा, दो शर्टें रखो, दो ट्राउजर रखो, एक चप्पल रख लो, बहुत है, मेरी मां लेना बात नहीं। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, फजर का टाइम होने वाला है और हमारी फ्लाइट है सुबह के 10 बजे, यानी कि ना हम सो सकते हैं ना हमारे पास होने का टाइम है। मेरी बस हुई हुई है, अल्लाह हाफिज। A few moments later. तो भाई ये बड़ा नर्वस है, पहली बार मुल्क से बाहर जा रही है, मुल्क से बाहर क्या, शहर से बाहर। भाई पिछले दिनों बस इस्लामाबाद होके आए थे, वो इसका पहला था, पहली बार वो शहर के, वो लाहौर का बॉर्डर उसने क्रॉस किया है। तो अब जो है ना पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेगी। मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग हवाई जहाज पे जा रहे हैं। तो बता हवाई जहाज क्या होता है? उड़ता है हवाई जहाज। अच्छा, हमको सिखा रही है बच्चों की तरह। इसको जो है ना मैं बताऊंगा कि ये जहाज होता है, ये जहाज की सीट होती है, ये जहाज के पार होते हैं, इंजन होता है इसमें दो। पहली बार ट्रैवल करी ना तो तेरा चेहरा भी तो लेंगे ना। तो यार मेरा बैग तो पैक हो गया और साथ का जो है अभी भी सामान थोड़ा हो गया। A few minutes later. So guys, हम लोग की पैकिंग हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं। वैसे हम लोग की पहले कराची की फ्लाइट है, उसके बाद हम लोग जाएंगे एक दिन का स्टे करके। आई थिंक कराची में एक दिन का हमारा स्टे है, ठीक है। उसके बाद हमने कराची से दुबई जाना है, दुबई से सऊदीया जाना है, सऊदीया से सिंगापुर जाना है, सिंगापुर से मलेशिया जाना है, मलेशिया से थाईलैंड जाना है, फिर हमने वहां से आ जाना है कराची वापस। मैं ये दुआ करें कि हम लोगों का सफर बहुत खैरियत से गुजरे, आगे भी हम लोगों की बहुत सारी जो है वो साधने कंट्रीज प्लान की हुई है। तो आप बस दुआ करें कि हम खैरियत से पहुंचाए और हम लोगों का उम्रा भी हो इंशाल्लाह। यार हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सामान वगैरह भी पीछे रख लिया, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं मम्मा से मिलने, मतलब मेरी मम्मा से मिलने। साथ के घर वालों को हम लोग ने सी ऑफ कर दिया था, अब हम जा रहे हैं अपनी मामा से मिलने। A few inches later. Assalamualaikum, कैसी हैं? Assalamualaikum. Waalaikum salam. इतनी देर से मिले हो आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ये हमारे ख्वाब थे जो आपकी शक्ल में हमें पूरे होकर नजर आ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप की ख्वाहिश होती है बच्चे एंजॉय करें, खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको सारी खुशियां नसीब करे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो नहीं सकती, ये थे छोटी सी उम्र में बिल्कुल अगर अल्लाह ताला के घर को देखने की अल्लाह ताला ने बुलाया तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो नहीं सकती। हमारे लिए वहाँ दुआएं करना, हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खास दुआ के अपने वतन के लिए आपने सबसे ज्यादा दुआएं मांगनी। अस्सलाम वालेकुम साहब, भाई आप कैसे हो? अपने पेरेंट्स के लिए ठंडी हवाएं बन जाओ, ठीक है? ये हमारी दुआ है आपके लिए, आमीन। और अच्छी अच्छी जिंदगी गुजारो, आमीन। बस ये कोशिश करो कि अल्लाह की मखलूक के काम आओ। गाइस अब हम लोग निकल पड़े हैं एयरपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं मैं फंस फंसा के बैठी हुई हूँ, करना पड़ता है। और बाबा हमें छोड़ रहे हैं साथ अपनी, मेरे ख्याल है कुछ पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं साथ। देखना ये क्या लुक है, चुप रहो, अपने आप अपनी आप ना मुंह पैक कर नहीं, यहाँ पे कौन सा तुम्हें किसी ने कुछ कहना है। A few moments later. Okay. हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और हम लोगों ने ग्रीन टी मंगवाई है और साथ में ब्लैक कॉफी। मैं इतना डर के ब्लॉग कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फोन अलाउड नहीं। वही पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे आप ऊंचा बोलो भाई, पाकिस्तान है ये, अपनी जगह समझो, अपना एयरपोर्ट है भाई, ठीक है, समझ गया। गाइस ये हमारा प्लेन है जो ये वाला बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे डर भी लग रहा है। तुम्हारा तो हनीमून यहीं पे पूरा हो गया, जहाज का सफर, फ्लाइट फ्लाइंग जेट का सफर। हां देखो कितनी अच्छी वीक है तुम्हारी, शी डोंट डिमांड मच। क्या नहीं है? ओह माय गॉड, आई एम सो नर्वस। सर तुम्हें कौन-कौन सी दुआ आती है? सुभान अल्लाह, ज़िक्र है ना, हम को ना हम को। वैसे इन जनरल कौन-कौन सी दुआएं आती हैं? दुआएं कनूत दुरूद शरीफ, ये दुआएं तुमने आज से ज्यादा मैं सारी पढ़ के मेरे को दो। ओह माय गॉड, मेरी एक्साइटमेंट लेवल इज, आवाज आ रही है जीप सी बच्चों। मैं तरीके से करता हूं, मुझे आता है ना तुम्हारा उधर मिक्स कर। अब पूरा वक्त ओवर होता रहेगा कि मैंने जो है
टायर्ड, बहुत बार ट्रेवल किया, तुम फर्स्ट टाइम कर रही हो। ये तो मेरे लिए ऐसा जैसे साइकिल चला रहे घर से बाहर ही आ रहे हैं। यहाँ से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अभी तो जहाज खराब है ना, अभी क्यों नजर आएगा? अभी पता है अभी अभी दुबई जब लैंड होंगे ना, दुबई बिल्डिंग, वो देखो जहाज लैंड हो रहा है, वो देखो हवा में, अभी हवा में अभी जाके जमीन पर लगा। मैं कहा तो मैं दिखा दूं, पहली बार जा रहे हैं, बैठ रही है तो झूठ बोली जा रही है। दूसरी बार तुम तो काउंट कर सकती हो। इतना एंबैरस कर रहा है मुझे यहां पे, लड़का सब कुछ आगे कह रहा है ये फर्स्ट टाइम इसको विंडो वाली सीट चाहिए भाई, हमें विंडो सीट बता रहा है भाई, हमें हमें एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट मिली ही, लेकिन ना उसमें विंडो नहीं थी। अभी जो यहां पे जो लोग बैठे हुए थे ना, उनको मैंने कहा कि यार आप एक्स्ट्रा लेग रूम वाली ले लें, जबकि मैंने उस पे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा सिर्फ इसके लिए कि बाहर खिड़की से बाहर देख के थोड़ा वाओ वाओ कर सके। हम तो देख चुके हैं, हमें तो कोई मसला नहीं खिड़की से। वहां पे खाली ऊंचा ऊंचा और अंकल को बोल के गया कि ये मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है, तो उसको व्यू देखने लगा, व्यू देखने। तो और मैं और वजह भी तो So guys, we have finally landed और अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन करवाने। पता है मुझे बोलने दो, तो आहिस्ता बोल रही हूँ थोड़ा। तो खैर यार हम फाइनली पहुँच गए हैं, अब हम लोग चलते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम हो जैसे मेरा डाटा यार क्या हो गया। So guys, हम फाइनली लैंड हो गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी में होटल की तरफ। तो यार अभी हम आए हैं अपने होटल जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना है फॉर द नेक्स्ट 5 days, क्योंकि हम लोग का 5 days का स्टे है दुबई में। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, आज हमारा सेकंड डे है दुबई में और अभी हम देखते हैं कि हमने क्या क्या खरीदा है। पहले हम लोग जाएंगे कुछ खाएंगे, लेट्स गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं JBR, वहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉपिंग के लिए। टैक्सी भी आ गई है, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं, पता नहीं कौन सी फेमस सी जगह जो साथ में मुझे बताई थी, फाइव गाइस। यहाँ का बर्गर बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा मजे का बर्गर होते हैं। अगर मजे का ना हुआ, अच्छा हाँ बड़ा बहुत आता है, अगर मजे का ना हुआ तो कुछ और खा लेंगे। सो गाइस मैं खाना आ गया, ये फ्राइज है, ये बर्गर है, ये शेक है, हम खा के देखते हैं कि है कैसा। तो यार अभी हम खाना खाने के बाद एक शॉप पे आए हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारे कपड़े पसंद आए हैं, अभी मैं और भी कपड़े देख रही हूँ। ये सारे कपड़े जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर 200-200 रुपए के मिल जाते हैं, जो तुम्हें यहाँ पे चूना लगा रहे हैं 50-50 दिरहम का बेच के। यू क्या यू 980 कितना होता है? क्या 9 दिरहम? ये कोई 1.5-2 लाख रुपए। झूठा झूठा। सो गाइस सारी शॉपिंग मैंने कर ली है। Approximately 10 hours later. Hi guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का हनीमून पीरियड चल रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई आए, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एज यूजुअल साथ एडिटिंग कर रहा है और मैं साथ का वेट कर रही हूँ। भूख मुझे बहुत लगी हुई है क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया, हम उठ के बस मैं तैयार हुई हूँ। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे और घूमने फिरने। सो गाइस वी आर ऑन आवर वे, साथ में साथ साथ भी तैयार हो गए, साथ वीडियो एडिट हो गई थी, पोस्ट हो गई, पोस्ट होनी है, वो रास्ते से कर लेंगे ना। अच्छा, इफ वी इंसर्ट वन बॉल यू विन, वी विन वन ऑफ दिस राइट? ओके ओके, लेट्स प्ले। टोटल विल बी 150। यस 150 दिरहम, या 10000। गिव अस सम डिस्काउंट। ओके, आई विल गिव यू वन मोर ट्रिक, वन मोर बॉल। अच्छा दो तुम करो, दो मैं करता हूं। वी हैव 150 सर विद फोर बॉल्स। हां आ रहा हूं। मनीष जी मदाम नहीं जीत पा रहे, नहीं जीत पा रहे। अरूप वो पाकिस्तान से दुबई से बाहर फेंक दोगे बॉल, मेरी बारी, मेरी बारी। यस कितने पैसे दे रहे हो साथ? 250 दिरहम, तकरीबन कोई 20,000 रुपए। वहाँ पे सब सोच रहे हैं कि बेवकूफ आए हैं, इनको लूटो। और यहाँ सांटी बुला रही है। The next day. आज हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम, which is in दुबई मॉल। तो अभी बस चलते हैं और तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। मैं तो कहता हूँ ये पे मेकअप कर लो सारा, ठीक है, और फिर वापस आ जाएंगे दोबारा, हम जब मेकअप करना होगा। खरीदने की क्या जरूरत है, खरीदो ना। तो यार अभी मैं शॉप पे आई हुई हूँ और मुझे यहाँ पे ये वाला बैग पसंद आया है, और भी बहुत वैरायटी है यहाँ पे बैग्स की। ऊपर ये वाला तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन अभी पता नहीं हम लोग ये वाला लेते हैं या फिर हम लोग कोई और लेते हैं, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है, वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रही कि ये लूँ या कौन सा लूँ। मैं तो लोगों को और ऑप्शन दिखाती हूँ, बहुत कमाल है, लुक एट दिस, ये कितना प्यारा है, ओ माय गॉड, आई लव दिस। ज़्यादा अच्छा कौन सा है वैसे, ये वाला या फिर ये वाला?
के जूते भी हमें पसंद आए हैं. हाउ मच इज दिस फॉर? 499 399. ओके सो यार ये 399 दिरहम पता नहीं कितना होता है, देखते हैं. कुछ एक्सेसरीज भी हैं, ये देखते हैं, ये भी बड़ी प्यारी हैं. कैसी लग रही है साथ? बिल्कुल तुम्हारी अच्छी बली, जो हमने जो लैशेस करवाई हुई थी ना वो सारी छुप गई हैं. ये उधर बाहर अपना पठान बोलोगे ना तुम? हाँ, नहीं पठान, भाई पठान वगैरह जो है ना शॉप लगा के बैठे होते हैं बड़ी मजे की, 300-300 रुपए में दे देंगे वो. हमने ले ली है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है. मेरे पास कोई भी वॉच नहीं थी ना, मैं हाथों में कुछ बड़ी पहनती थी, मम्मा भी खुश हो जाएंगी कुछ पहन रही है मेरी बेटी. तो यार अभी हम लोग आए हैं एक्वेरियम, अंदर चलते हैं फिर. अच्छा लगेगा यहाँ पे. ये तो स्क्रीन है, ये तो स्क्रीन थी. सर इधर चले, इधर चले. Look at this view. It's so pretty. अच्छा लोग यहाँ पे pictures ले रहे हैं, मुझे भी फोटो लेनी है यार. साथ टेक माई फोटोज, मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ही ले लो. वो आगे एक अच्छा स्पॉट है, वहाँ पे अच्छी लाइट अच्छी आती है, वहाँ से लेते हैं. एनीवेज गाइस हम लोग एक्वेरियम से फ्री हो गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस. घर नहीं मतलब होटल वापस. हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम. यार आज हम लोग का लास्ट डे है दुबई में और अभी हम लोग जा रहे हैं. आज हमारा चेकआउट है, दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी हमारी फ्लाइट है यहाँ से जद्दा की. बस हम लोग अब निकलने वाले हैं. साथ आर यू रेडी? चलो अब हम चलते हैं. और हमारी पैकिंग वगैरह भी सारी हो गई है, वो बैग्स बंदा ले गया है. गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और अभी हम जा रहे हैं वापस. सॉरी जद्दा वापस तो अभी बहुत देर है, बहुत देर है. गाइस ये हमारा प्लेन है जिसका हम लोग जाने वाले हैं. दिस इज बिग, आई नो दिस इज ह्यूज और दिस इज बीस्ट. 2 hours later. So guys, हमारी लैंडिंग हो गई है जद्दा में. अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली पहुंच चुके हैं और अभी हम बैग और अभी हम बैगेज कलेक्ट करने के लिए रुके हुए हैं. और घंटा हो गया मेरा बैग मेरा बैग अभी तक आया नहीं. आ गया, आई थिंक ये मेरा है. निकल निकल यही है यही है. तो बस अभी हम होटल चलते हैं और चेक इन करते हैं. आई जस्ट लव दिस रूम सो मच. ये इन्होंने पूरी ड्रेसिंग की स्पेस है, यहाँ पे सारे बैठ के अपनी एडिटिंग करेगा, यहाँ पे मैं अपने आप को तैयार होते हुए देखूंगी. और ये भी कुछ है, वॉशरूम दिखाती हूँ उन लोगों को. दिस इज द वॉशरूम, जबरदस्त है यार, बहुत ही अच्छा है. एनीवेज गाइस हम यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहे हैं. ओ माय गॉड आई लव यू टू. अच्छा खैर तो यार हम लोग व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहे हैं. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मेक श्योर करो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हो और दुआ में याद रखो. शपा खैर.